अब ठीक है? अरे कहाँ गोदी में आ जाओ उनकी, अगर जल्दी है। ओके ओके, अगर अगर आपको जल्दी है। दाखड़ी लेके हरी का नाम। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं दिल्ली की एक बड़ी खबर की। दरअसल लड़की का चक्कर फिर तुम्हें बस और कोई काम है नहीं यार। अब कहानी देखो सारा, लड़की कहानी इसी से ही है। अरे भाई कोई और कहानी ले लो। जब देखो लड़की, एक शख्स है जिसको एक लड़की से 8 साल से उसका रिलेशनशिप था। वो लड़की अपने गांव चली गई लॉकडाउन में। अब उसको लगा कि भाई अब मैं खाली हूँ, एक और बना ली उसने। तो या तो उससे प्यार था या नहीं था ये पता नहीं भाई। लॉकडाउन में बहुत, उसके पास सुनो ना कहानी बड़ी मजेदार है। उसने एक और बना ली, अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और अचानक पहली वाली वापस आ गई। क्या बात है। और जब पहली वाली वापस आई तो भाई ने क्या किया कि अब पहली वाली के साथ रहना है। घर वालों ने कहा दूसरी वाली को छोड़ दिया। फिर दूसरी वाली को छोड़ दिया क्योंकि पहली वाली आ गई। तो दूसरी वाली बनाई क्यों थी? तो इसीलिए ना कि वो पहली वाली नहीं थी। जब दूसरी वाली बना ली तो दूसरी वाली के साथ रहना चाहिए। अब रहना चाहिए था, नहीं रहा। तो उसके बाद फाइनली उसने दूसरी वाली का मर्डर करा दिया। इसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार तो करना ही चाहिए यार भाई, जब तुम एक बना चुके हो, एक तुम्हारी पूर्व गर्लफ्रेंड है। और पहली वाली को मैंने पुलिस से पूछा कि पहली वाली को पता था दूसरी वाली, उसको भी पता था। दूसरी वाली को भी पता कि पहली वाली है। अब इसका नहीं पता क्योंकि वो तो मर गई। अब मतलब जो चाचा है वही भतीजा है। समझ नहीं पा रहा ये क्या रिश्तों की अनोखी चल क्या रहा है भाई साहब। ये कहानी पहले आपको थोड़ा डिटेल में दर्शकों को बता देते हैं क्यों। नहीं नहीं कहानी तो तुमने बताई थी पूरी, और क्या और बता देते हैं। बता दो, ये दरअसल दिल्ली का मैदानगढ़ी इलाका है जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ। जंगलों में बॉडी मिली और ये संडे को मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक जो भाई था जिसने पुलिस को फोन किया वो इसी का दोस्त था जो आरोपी था अनुज। और फोन करके कह रहा है कि जी वो दो लौंडे आए थे उन्होंने मार दिया। क्या बात है। हाँ तो पुलिस एकदम सकते में कि भाई कैसे। पुलिस ने उसको पेला पाला तो कह रहा जी वो मेरे दोस्त ही थे जो मार गए। तो फोन क्यों कराया उसने? इसीलिए कि पुलिस को मतलब वो कर सके, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक कर सके कि भाई मतलब पुलिस से खेल रहे, पुलिस से खेल रहे थे। तो पुलिस ने उल्टा उनको फंसा लिया और ये कहा कि भाई वो ये तो नहीं था। फिर पूरी कहानी बता दी भाई ने। फिर अनुज तक पहुंची पुलिस। अनुज से पूछा भाई क्यों ये क्या क्यों मारा तूने उस लड़की को जो लिव इन में रह रहा था। कहानी है कि 8 साल से एक रिलेशनशिप में एक लड़का था जिसका नाम अनुज था। वो लड़की लॉकडाउन हुआ वापस चली गई अपने घर। अब ऐसे में उसके पास टाइम था और उसको एक और लड़की दोस्त उसने बना ली। तो बनाई जो थी वो नई वाली जो गर्लफ्रेंड है जिसको लिव इन में रह रहा था, जिसको मारा भी उसने बाद में, उसको बना लिया। अब पुरानी वाली वापस आ गई। तो नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा ऐसे। अरे देखो ये पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है। हाँ ठीक है, ये चली गई लॉकडाउन में घर। ठीक है, ये नई वाली गर्लफ्रेंड। हाँ ठीक है, जब इसके साथ वो रहने लगा साथ में तब वो पुरानी वाली वापस आ गई। हाँ अब पुरानी वाली वापस आ गई तो वही किसके साथ रहे भाई अपना। हाँ ये भी था, ये मसला था बेसिकली। तो उसने क्या किया, पहली वाली को ज्यादा पसंद करता तो मार क्यों दिया। तो भाई रहेगा कैसे दोनों के साथ, कैसे कैसे रहेगा वो। दो भी तो रहते हैं, तीन भी तो रहते हैं, वैसे रह ले। हाँ तुम रह के दिखाओ। नहीं हम नहीं वैसे। तो मार क्यों रहा है? दो बीवी के साथ रह लोगे तुम? उसने वो बात ठीक है लेकिन उसने जो मारेगा थोड़ी यार, एक के साथ नहीं फायदा क्या वो मार के क्या वो फायदा। अरे मार के उसने सोचा कि भाई वो प्लान बनाया, उसने सोचा कि इसके साथ रहेंगे आराम से, उसको मार दिया। लेकिन जो उसने दोस्त बनाया, कभी मक्खी नहीं मारी उसने, आदमी मार दिया। बात उसमें मारने गलती नहीं है, उसने जो दोस्त शामिल किए उसमें वो एक नंबर के गधे थे। खुद ही फोन कर रहा है पुलिस, खुद ही उसको फोन कर रहा है पुलिस। यार ऐसे इतने बड़े वाले मैंने नहीं देखा आज तक भाई। खुद ही फोन कर रहा है कि यहाँ जो मर्डर हो गया, और ये कह रहा है नहीं, उसने कोशिश पूरी की कि यहाँ मर्डर हो गया और यहाँ जो है वो दो मैंने देखे थे और दो आए थे, दो आए और मैं शराब पीने आया था, मैंने देखा वहाँ मर्डर हुआ पड़ा है। तो पुलिस ने भड़ाक लगाया उसके मुंह पर भाई। जंगल में रात में 12 बजे तुम शराब पीने गए, वाह क्या शराब की लत है। पुलिस ने सारा कुछ ग्रिल किया तो बता दी भाई ने कहानी। तो बड़ी अनोखी कहानी रिश्तों की, ये दी एंड हुआ है दिल्ली के, जैसे हमने बता दिया मैदानगढ़ी का मामला है। तो क्या समझ में आता है इससे? समझ में ये आता है भाई कि जिसके साथ तुम्हारी सेटिंग है, जिससे तुम प्यार करते हो, उसी एक के साथ रहो। ठीक है, पांच पांच के साथ रहो। मैंने पुलिस से पूछा कि पहली वाली का कोई रोल था? पहली वाली को पता ही नहीं है कि दूसरी वाली को मार दिया। कह रहे नहीं उसको नहीं पता, हो सकता है। लेकिन उसको पहली वाली को ये तो मालूम है कि दूसरी वाली है। हाँ लेकिन दूसरी वाली को ये नहीं मालूम कि पहली वाली है। नहीं ये नहीं मालूम, ये क्या खिचड़ी चल रही है भाई। और उसके बाद पहली वाली ने पूछा कि पहली वाली को पता था कि वो मारने जा रहा है। पुलिस कह रही नहीं, ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है यार, ऑब्वियसली जब भाई उसके लिए मार रहे हो, उसके लिए मार रहे हो, उसी को पता नहीं है। कह रहे उसको नहीं पता। लेकिन एक बात जो ऑन अ सीरियस नोट कि जिसकी डेथ हुई हमारी संवेदना उसके परिवार के साथ है। ठीक है, हम उसका मजाक, जैसे मैंने बताया दोस्तों हम लोग मजाक उड़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठते, लेकिन एक कोई ना कोई मजाक के पीछे, व्यंग के पीछे एक
गहरी सच्चाई, गहरी सच्चाई भी होती है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, जो साजिश थी, जिसे दो कौड़ी की साजिश कहना चाहिए, मतलब कोई सड़क छाप भी इससे बढ़िया साजिश कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, जो जो एक नाव पे कदम नहीं रखते, दो नाव पे कदम रखते, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि ये तो खुद तो फंसते ही है, आपको ही फंसाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस लड़के के पास दो लड़कियां कैसे आ गई। स्मार्ट रहा होगा भाई। अरे कुछ भी स्मार्ट नहीं, कोई काम नहीं करता, दिल्ली का काम नहीं करता। अरे तो काम भाई, जिसके पास काम होगा वो लड़की कहाँ बटा पाएगा। फिर भाई लॉकडाउन में गई, दूसरी भी आ गई, भाई लिव इन में रहने लग गया, शादी कर ली उससे दूसरे से, पता है। अच्छा, कल ही हम लोगों ने लिव इन वाला शो भी किया, देख लो आज आगे ना हो गई कहानी, उलझुल कहानी। तो लिव इन में अक्सर ऐसा होता है कि ये चीजें हो ही जाती है। लेकिन सवाल ये भाई कि उसने जो ये साजिश रची, तो उसने बिल्कुल बिना सोचे समझे साजिश रची, या फिर कुछ प्लानिंग वालिंग करी? समझ नहीं आ रही कोई कहानी कि भाई एक आदमी अगर आपको किसी से छुटकारा पाना है तो आप उसको मारोगे तो आपको पता है पकड़े जाओगे। अरे भाई दूसरे तरीके से छुटकारा पाने का, भाग जाओ वहां से लड़की को लेके। और क्या हुआ, क्या कि जब भागने की कोशिश भी करी थी भाई ने, उसके परिवार वालों ने रोक दिया, उसके पहली वाली गर्लफ्रेंड असहाय हो गई एकदम कि मैं क्या करूं। उसने कहा भाई तेरी शादी हो चुकी है। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे रहना उसके साथ है। अबे तूने उसके साथ रहना तो उसको छोड़ा क्यों, उससे शादी क्यों करी दूसरी वाली से? तो बड़ा मतलब अजीब ही करेक्टर था। तो फाइनली तो अब जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अकेले वो नहीं है, वो जो दो उसके साथी भी थे, वो भी गए भाई। वो भी जो फोन कर रहे थे पुलिस को, भाई यहाँ बॉडी पड़ी है, बॉडी पड़ी है और हम शराब पीने आए थे, वो भी चले गए। तो जिंदगी खराब हो गई। तो ये कम से कम चलिए आप जो भी कर रहे हैं दोस्त देख के बनाइए, ऐसे उलूल जुलूल टाइप के दोस्त नहीं होने। नहीं ये समझे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तो रिश्ता जोड़ा है ना, कि रिश्ता ऐसा मत बनाओ यार। हाँ, रिश्ता आप तो ये क्या obviously, कर रहे हो यार obviously. कि आपको मतलब हर हाथ में लड्डू चाहिए, हमेशा लड्डू चाहिए, 24 घंटे लड्डू होना चाहिए, 24 घंटे लड्डू भाई, एक गई तो दूसरा लड्डू मुझे चाहिए, ये क्या बात हुई यार। वो खुद को कपिल शर्मा वाली वो फिल्म थी ना जिसमें चार चार बीवियां थी, वैसा समझ रहे। तो ऐसा असल जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता है। वही मैं सोच रहा हूँ, घर वाले भी पता नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें इसमें एक पेच ये है कि पहली वाली गर्लफ्रेंड ने नहीं रोका, सॉरी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड ने नहीं रोका। कितनी कंफ्यूजन इस कहानी में, दूसरी वाली गर्लफ्रेंड ने नहीं रोका कि तुम पहली वाली के साथ रह सकते हो, सकता पता ही नहीं, लेकिन हो सकता है, लेकिन परिवार वाले रोक रहे थे। हाँ, परिवार वाले समझदार थे, उन्होंने लगा भाई तूने उससे शादी कर ली दूसरी वाली से तो पहली वाली के चक्कर छोड़ दे। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा पहली वाली, तो भाई जाएगा तो छोड़ा क्यों तूने, वही बात है कुल मिलाकर। भाई छोड़ा इसलिए लॉकडाउन लग गया था ना, लॉकडाउन में अच्छे अच्छों की जो है वो गर्लफ्रेंड छूट गई। भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, लॉकडाउन का असर था ये? लॉकडाउन में अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड छूट गए, बॉयफ्रेंड छूट गए, कैसे कैसे भाई तुम्हें खबर नहीं देखी, तुमने वीडियो नहीं देखे और लॉकडाउन में भाई किस करने गया था। हाँ, ये वो एमपी की खबर आई थी, वो लॉकडाउन में भाई किस करने गया था, पुलिस ने पकड़ा, अलग बदनामी अलग हुई। तो भाई लॉकडाउन जो पहला वाला लॉकडाउन था, पहले वाला 3-4 महीने चला, उसने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर दी। तो उसके चक्कर में अभी आदमी भी फंस गया है, अरेस्ट हो गया है। चलिए, लेकिन थी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, मजा आया, लिखा भी मैंने बड़े ढंग से। crimetak.in पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सॉरी वहां पर भी जो मैंने crimetak.in हमारी वेबसाइट है जिसमें हम लोग क्राइम की खबरें लिखते हैं। फर्रुख हैदर के नाम से मेरे भी उसमें कई कहानियां हैं, चिराग गोठी की कई कहानियां हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। सुनील मौर्य भी हमारे, सुनील मौर्य भी हैं हमारे, तो आप भी लिखते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं क्राइम की खबरों के लिए। और बाकी लोकेंद्र सुप्रीतम भी लिखते हैं यार, हां लोकेंद्र वो भी। और अगर क्राइम की और खबरें देखनी है तो आप क्राइम तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा शो आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप हमारा शो देखेंगे तो हमारी नौकरी चलेगी, नौकरी चलेगी, हमारे व्यू आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे कहते हैं ना, तो हमारा धंधा चल रहा है तब तक ठाट है, जब बल्ला थमेगा और कहानी खत्म। तो इसलिए भाई लोग देखते रहिए, भी फिर यहां नहीं रहेंगे। और हमारे तो विनोद भाई ध्यान रखिए, कैमरे के पीछे हमारे विनोद सर हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत शानदार काम करते हैं, उनका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।